दोस्तों अगर आप टाटा स्काई यानी कि टाटा प्ले डीटीएच यूज़र है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों कभी कभी हमें टाटा प्ले कस्टमर केयर से कॉल आती है और हमें कुछ एक्टिव सर्विसेज जैसे कि टाटा प्ले थिएटर, टाटा प्ले शॉर्ट्स मूवीज, इस तरह की टाटा प्ले सर्विसेज हमें 7 दिन के लिए फ्री दी जाती है, लेकिन इसके बाद ये सर्विसेज हमारे पैकेज में ऐड हो जाती है। इसके कारण हमारे चैनल पैकेज का प्राइस, मंथली प्राइस बढ़ जाता है। मान लीजिए आपका टाटा प्ले चैनल पैकेज 319 रुपये का है, तो ये सर्विस ऐड होने के बाद हमारा मंथली चैनल पैकेज 450 या 500 तक भी जा सकता है। 7 दिन समाप्त होने के बाद ये ऐड सर्विस हमारे चैनल पैकेज में ऐड हो जाती है, इसके कारण हमारे चैनल पैकेज का प्राइस बढ़ जाता है। ये जो टाटा प्ले सर्विसेज है उसे हम रिमूव करेंगे तो हमारा पैकेज पहले जैसा ही 319 बन जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये टाटा प्ले जो सर्विस है हम उसे कैसे डिएक्टिव करें, कैसे रिमूव करें। टाटा प्ले सर्विसेज रिमूव करने के लिए हम टाटा प्ले मोबाइल ऐप का यूज़ करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले टाटा प्ले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर आपके पास पहले से है तो इसे ओपन करेंगे। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद जो राइट साइड पर सबसे ऊपर 3 लाइन्स है इन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर माय अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर मैनेज पैक इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह का पेज ओपन होने के बाद मॉडिफाई पैक्स एंड चैनल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर ड्रॉप चैनल्स पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहां पर माय पैक्स में आपके चैनल पैकेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी और कौन कौन से एडिशनल चैनल्स हमारे पैकेज में हैं और टाटा प्ले सर्विसेज एक्टिव है वो देखने के लिए पेज को स्क्रॉल करेंगे। जो एडिशनल चैनल रिमूव करने हैं उन पर भी इस तरह क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा प्ले सर्विसेज में टाटा प्ले शॉर्ट्स टीवी और टाटा प्ले थिएटर सर्विस एक्टिवेट है। ये दोनों सर्विस हमें रिमूव करनी है। रिमूव करने के लिए इन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ड्रॉप पर क्लिक करेंगे। टाटा प्ले थिएटर रिमूव करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और बाद में ड्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने 2 एडिशनल चैनल्स और 2 टाटा स्काई सर्विसेज को रिमूव करने की रिक्वेस्ट दी है। 4 आइटम्स ड्रॉप पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो चैनल्स हमें रिमूव करने हैं उनको कंफर्म करेंगे और प्रोसीड इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इस पेज पर कंफर्म एंड प्रोसीड इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद 15 सेकंड्स में आपका पैकेज चेंज हो जाएगा। जो भी एडिशनल चैनल्स और टाटा स्काई सर्विसेज आपने रिमूव की है वो रिमूव हो जाएंगी। दोस्तों इस तरह आपने जाना टाटा प्ले चैनल पैकेज में से एक्टिव सर्विस कैसे रिमूव करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के बारे में आपको कुछ लिखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।